दोस्तों आप शुरू हो चुकी है हमारी बैठक। ये है डोराचिन की बैठक, डोराचिन वालों की बैठक है ये। हाँ, क्योंकि आज ये डोराचिन में हो रही है, और जब ये ऊपर होगी तो कौन सी बैठक होगी? है ऊपर वाली बैठक होगी। क्या होगी? कौन ऊपर वाली बैठक होगी? मलपाक वाली बैठक, ये तलपाक वाली, ये आंगन वाली बैठक हो रही है। आप सभी का स्वागत है आंगन वाली बैठक में, मेरा, मेरी मम्मी का और मेरे भैया का। तालियां। आप कुछ कहो तो, ये बैठक इसलिए लगी है, भावना भेजी थी ना। ये भावना कौन है? भावना पता नहीं, आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है भावना के नाम पे। भावना कौन है? ना क्या कहो, भावना कौन है? बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है भावना के नाम पे। क्या ही गए यार, बताओ बताओ क्या? बताओ। हाँ तो भावना कौन है? कौन है भावना? हमें क्या बता? मैं तो पूछा हूँ। मैंने तो जो फीलिंग्स होती है वो वाली भावनाओं की बात कर रही है। आप मुझे ये बताओ कि आप कौन सी भावना की बात कर रही है? कौन भावना भाभी? भावना कहीं भाभी तो नहीं? भावना कौन? भावना भाभी है हमारी, मतलब मेरी भावना भाभी है। भैया की तो भाभी नहीं लगती होंगी ना वो? भावना भाभी भैया की भाभी थोड़ी लगती होंगी? भाभी लगती हूँ, भाभी थोड़ी लगती होंगी, भाभी लगती है। अरे हाँ, मैं आपकी बहन। सॉरी सॉरी, मेरे को कुछ चीजें थोड़ा देर में समझ में आती, मेरी है थोड़ा प्रॉब्लम। मैंने कहा ना मैं पढ़ने में कमजोर हूँ। तो अगर मेरी भाभी लग रही है तो ये मेरे भैया हुए तो उनकी भी तो भाभी लगेगी। ऊपर का माला खाली है मेरा, खाली। बताओ मैं कैसे दिन काट रही हूँ अपने? बहुत बढ़िया, सुबह उठा। हाँ तो चलो, एक भावना भाभी तो हमारे पास है, क्या आप दूसरी भावना भाभी? इसका मतलब अब हमारी अगली भावना भाभी ही आएंगी। कोई हो तो पहचान में बताना। कोई हो तो पहचान में बता, मैं भेजू भावना भाभी को? भेजू? भेज दे, पहले पूरा नाम बताओ ना। ऐसे तो मैं किसी भी भावना को भेज दूंगी। तो ठीक है, जो जो भावना है उनको सबको भेज दे। मतलब भावना ही नाम की चाहिए? भावना ही नाम की चाहिए? लिखा थोड़ा कि भावना चाहिए, वो तो एक उदाहरण दे। नहीं, आपने भावना ही पर इतना वो क्यों करा, पहले मुझे बताओ। अब वो उदाहरण मिल रहा है, तुमने भावना कहा था। भावना मैंने कहा क्या? आपने कहा तो कहा भावनाओं में, तो मैंने भावनाओं में भेजाते, तो मैंने कहा ना भावनाओं, फिर मैंने सोचा भावना करके। तो आपने भावना क्यों कहा? आपको पता है ना मैं कौन सी भावना की बात कर रही हूँ? तो मेरे को भी पता है तू कौन सी भावना की बात कर रही है। तो आपने पूछा क्यों कौन भावना, क्यों पूछा आखिर, बताओ मेरे को, मैं जानना चाहती हूँ। बताओ बताओ। हमने कहा कि आपका कोई भावना है करके। तो दोस्तों आज डोराचिन की बैठक में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बाहर निकल के आई है। डोराचिन की बैठक में है आप अभी, तो यहाँ हमने एक बहुत ही बड़ा राज खोल दिया है, जो बड़े से बड़ा जो भी है कोई नहीं खोल पाया, वो राज आज मैंने खोल दिया है। देख रहे हो, अब तो भावना भाभी ही आएंगी। जरूरी नहीं है भावना भी आए, खुशी भी आ सकती है। एक ही चाहिए, एक ही चाहिए ना, भावना भी खुशी भी। देखो ना ना, भावना खुशी एक बताओ यार, भावना खुशी वाली क्या बदतमीजी। खुशी भी आ सकती है को? ना ना, खुशी खुशी ना, ये तो गलत बात है यार। खुशी भी भावना भी आए, खुशी भी आए, मतलब सब चलेंगी, सब चलेंगी, भी आए, सब चलेगी। कल्पना नाम तो यूनिक है भाई, इसका मतलब या नेहा भी आ जाए, नेहा कोई भी आ जाए, मतलब ऑप्शन है भाई कि डोराचिना में, मतलब डोराचिना में नहीं, हमारे पूरे एरिया में। अरे हमारे एरिया में तो कितने हैं, हमारे एरिया की बात थोड़ा कर रहा हूँ, मतलब बाहर की बात कर रहा हूँ। तो भाभी हमारी होंगी तो हमारे, यार ये कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। ये बैठक में जस आपको गलत फहमी दी जा रही है, वो मैं क्या साबी खुद गलत सोच में पड़ के। नहीं नहीं, मेरा ध्यान कहीं और चले गया था, वो मैं क्या, अच्छा बोल रहे दो ना, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हमारे हमारी भाभी तो एक ही आएंगी ना। हाँ तो एक ही तो आएगी, फिर अब वो भावना आए, कल्पना आए, खुशी आए, टूसी आए, कोई भी आए। चलो खुशी तो ठीक है, टूसी क्या हुआ है? टूसी क्या हुआ पहले बताओ, टूसी क्या हुआ? ये समझ जाएगी, इसका मतलब तो टूसी ही है भाई, समझ जाएगी। यूनिक नेम की भाभी आएगी डोराचिन में, टूसी टूसी मनाली। तालियां।
टूसी मनाली यूनिक नेम होगा। मेरी भाभी का नाम क्या है को? टूसी मनाली। तो क्या कहते हैं भैया वैट्स टूसी मनाली। जमा नहीं आ रही। जमा नहीं, टूसी नहीं जमा बल। हाँ कल्पना जमा के देखें, कल्पना जमा के देखें तो कल्पना मनाली जमा नहीं जमा, वो बना दे रहे यार। और क्या नेहा मनाली नहीं जमा, मतलब इन्होंने ढूंढ रखी है तभी तो जम नहीं रहा कोई। ढूंढ जो रखी होगी क्यों कहता मैं। नेहा कल्पना और टूसी खुशी मनाली तो जम रहा है यार। खुशी मनाली सारे मन नाम सही है यार, सब चलेंगी भैया सब चलेंगी बस सब चलेंगी जो आ जाए जो आ जाए। अब गुण क्या चाहिए आपको ये बताओ, गुण क्या क्या चाहिए आपको? इधर से बैठते हैं जरा बस। अरे गुड़ी ना यार, गुड़ी तो भी भजाई दूल यार, लठन लठन कह रहा है। और मम्मी को देखो गुड़ जगह कड़ी में गुड़ लिबा उलाव गुड़ से पर कद हां नहीं तुझे गुड़ जे के भाभी में गुण क्वालिटी बताओ। क्वालिटी पहले आप अपनी क्वालिटी बताओ ना। क्या अपनी क्वालिटी बताओ। तो ये मेरे भैया हैं इस वजह से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिखने में हैंडसम है, हैंडसम है। और ये मेरे भैया हैं इसलिए बहुत अच्छे हैं ऐसा मैंने कह दिया है। हां वरना ये तो फिर देख ही सकते हो शक्ल। हां कि देखिए ना सुंदर लग रही है क्या वाकई में। हां यार ये देखो लग रही है, लग रही हूं ना। आजकल मेकअप नहीं किया है फिर मैं कभी भी करती हूँ देखा तुमने। कभी कभी मैं शादी ब्याह में जाती हूँ बस लिपस्टिक लगाती हूँ और क्या करती हूँ और वैसलीन लगाती हूँ। बीच में मैंने क्रीम लगा दिया था, वो जो मिला मुझे मैंने वो वाला क्रीम लगा दिया तो ये देखो ये दाने हो गए। घर के कपड़े पहन के चल देते हैं बस। घर के कपड़े तो मतलब घर मतलब मैं घर में ऐसी रहती हूँ बिखरी बिखरी सी। बाजार को जब मैं जाती हूँ तो सज धज के जाती हूँ, सज धज के नहीं जाती हूँ। मतलब क्या पता किसकी भाई आगे को समझदार की खुद है। मतलब मैं सज धज के नहीं जाती हूँ, मैं क्या कहते हैं मैं तो मैं वैसलीन लगा लेती हूँ और बस और कुछ नहीं लगाती हूँ मैं, कुछ नहीं लगाती। और कभी कभी दो तीन महीने में आईब्रो बना लेती हूँ मैं। हाँ बस इतना ही तो करके जाती हूँ, ज्यादा क्या कर रही हूँ। देखो खर्चा कितना काम है। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों 5 रुपए का खर्चा है। देखो मैं मम्मी का कुछ भी खर्चा नहीं करती बताओ। एक वैसलीन लगाती हूँ मैं, ठीक है वो भी कोई सा चल जाता है, जैसे वो फ्री का आता है। जैसे बीच में मम्मी को इतना बड़ा वो बॉडी लोशन का डब्बा नानी के घर से चुरा के लाई थी, ठीक है मम्मी मम्मी कुछ कहनी चाहेंगे आप इसके बारे में? चुरा के लाई थी ना, ईमानदारी से दिया था। नानी तो ईमानदारी से देंगी, तू लाई थी चुरा के। देने वाला तो चुरा के ईमानदारी से देगा। मतलब नानी ने दिया था, मुझे दिया था नानी ने, पर मम्मी ने अपना नाम पाड़ दिया कि मुझे दिया है, तो इस वजह से वो मम्मी के पास ही रहता है, मांगना पड़ता है बार बार, तो वो लगा लेती हूँ मैं। कोई सा भी वैसलीन लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ कोई नहीं सा भी है। लगा देती है मतलब वैसलीन कोई सा भी चल जाता है। पहले से मैं फेरन लवली लगाती थी, अब मैंने फेरन लवली लगाती है, वैसलीन लगाती है, वैसका लीन लगाती है। कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं इस बारे में, कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं। तो मत बोलने तो मुझे मत बोलने तो। तो मैं वो लगाती हूँ। हम कहाँ की बात से कहाँ पहुंच गए? अरे हम नेहा और खुशी में थे यार। कहाँ यार, नेहा खुशी को छोड़कर डिंपल की बात होने लगी है यार। ये तो इतना ही लगाती हूँ मैं, और ये रियल कैमरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। खूबसूरत तो क्या ही हूँ मैं अब। खूबसूरत तो क्या ही है, दांत बाहर आ रखे हैं, दांत मेरे खिचला मिचला है, खिचला मिचला है। क्या क्या किसी इंसान को मेरे दांत पसंद है प्लीज कमेंट करके बताना। बताओ ये ऐसे हैं मेरे दांत, ऐसा कमेंट करो कि दोबारा फिर ये पूछे ही नहीं दांत के बारे में। दोबारा ये दांत दिखाने लायक नहीं मिले, शर्म के मारे है ना। इतने खराब है क्या मेरे दांत? सब कहते हैं मुझसे खराब है क्या, दांत खराब है क्या? सब कहते हैं मुझसे तेरे दांत खिचलो मिचला है। एक काम कर, उस टाइम मेरे को थोड़ा बुरा भी लगता है। जोर से ना, टूटना नहीं है ना फिर, एक हथौड़ा ले। तो मुझे तो अच्छे लगते हैं ना मेरे दांत। अच्छा तेरे को अच्छे लगते हैं, हो गया फिर। हाँ सच्ची बताओ यार, सच्ची बताओ यार, तारीफ कर दो यार मेरी, जो कि मैं खुश हो जाऊँ, कहते सातवें आसमान पर चढ़ जाऊँ मैं। ये यार डोरा सिंह की बैठक सीधे भिकेत पहुँच जाए, सीधे भिकेत। कहीं खुशी के मारे आज खाना ना खाए। इन्होंने तो खुशी खुशी करके और कर दिया यार, इनको हो गया मतलब खुशी अभी यहाँ पर पधार रहे, अभी फोन से निकल के आएगी खुशी। बताओ जरूरी नहीं है कोई खुशी आए, कोई भी आ सकती है। फिर कौन आएगी अब बताओ?
हाँ तो हम क्वालिटी में आ रहे थे। अब मेरी क्वालिटी की कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी शादी का भी कोई संजोग वंजोग नहीं है। ये इतनी छोटी नहीं है कि 18 साल की है, 20 साल की हो चुकी है, ऐसे उम्र नहीं बताते हैं, कहा 20 साल की ही हूँ मैं अभी। अभी तो मैंने 12 ही पास कॉलेज जाती हूँ यार मैं, है ना, तो क्या कहो सुनो, 12 पास करके कॉलेज जाती हूँ मैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर है यार मेरा, तो लगा लो अब कुछ 18-17 की हूँ मैं, लगा लो 18 की हूँ मैं, 17 की हूँ यार, 12 पास तो 17 में हो जाते हैं, 15 की है यार। इतना भी नहीं है अभी दिख रहा है सकल, 15 भी नहीं है, फिर ज्यादा हो गई ना, 15 की है यार, 15 नहीं, अरे यार मैं कितने की भी हूँ यार, आप बताओ, प्यार हो जाना चाहिए बल ना, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं यार। हाँ तो क्वालिटी की बात थी, आप हैंडसम है और क्वालिटी बताओ बस, और सबसे बड़ी क्वालिटी है हमारी कि हम उत्तराखंड में रहते हैं, इतनी सुकून भरी हवा में रहते हैं, देवभूमि में रहते हैं हम अपनी, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। तो बताइए, रिश्ता भेजिए, रिश्ता भेजिए और संपर्क करिए 9246873 5596 पे। देख रहे हो कितना तेज हो रहे हैं, देख देख ना, देख रहा शर्म नहीं है ना, नहीं है ना, आंखों से कभी टपक नहीं रही है ना, शर्म किस बात की इसमें, देख रहे नंबर को। अरे मम्मी लड़का हाथ से फिसल गया, कौन शर्म किस बात की है? ताई जी ये वीडियो आप जरूर देखना, आपका लड़का हाथ से फिसल गया है, मैंने आज आपके बेटे की सच्चाई बाहर निकाल दी है, किस बात की सच्चाई, फिसल गए ना आज आप, कौन से फिसल गए, फिसले गए हम, हम रड़ गए बल, हम गुरी गए हैं, तो देखिए नंबर तो अब नंबर एक्सचेंज हो गया, अब आप खुद ही क्वालिटी पूछ लेना और अभी भेज देना, ओके हाँ। वो नंबर ही समझ में नहीं आएगा किसी को ना, आपने बताया भी तो गजबज तरीके से है वो, आप बहुत तेज हो, आपने कहा नंबर भी पता चलेगा, गजबज भी जाएगा इंसान ना, पहाड़ी दिमाग बहुत तेज होता है, भुला बुला। एक गाय का देसी घी नहीं खाते हैं, पाड़ी घी खाते हैं, हां देसी घी नहीं खाते हैं हम, पाड़ी घी खाना, हम घी, हम घी नहीं खाते, अब टाइम भी हो चुका है, हां बैठक पूरी कहां हुई है, विदाई लेने का वक्त आ चुका है, विदाई तो जल्दी जल्दी, तो आज की बैठक यहीं पर खत्म होती है और भैया जा रहे हैं अब घर को, बता देना अरे दोस्तों देखिए भैया जिस काम के लिए आए थे वो मैंने ब्लॉग बनाते बनाते भुला दिया है, और जिस काम की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी वो काम हो गया है आज, तो वो तो अच्छा हुआ मम्मी ने कह दिया कि काम तो बताओ काम क्या था, कुछ तो काम था ना, चलो 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 फिर, ये इसका कैमरा थोड़ा वो है, लो क्वालिटी का है, ना कैमरा ठीक, मेरी बेइज्जती कर लो मेरे फोन की नहीं पर मेरे, अब भैया ब्लॉगर कौन है, यही तो है बेइज्जती, तो इनकी होगी ब्लॉगर बेइज्जती करते हैं, अब थोड़ा बेइज्जती होगी, थोड़ा वो होगा तभी तो आगे बढ़ेगा, ये मतलब ऐसा थोड़ा है कि सुबह उठ के हाँ चलो भैया, चलो भैया हिट दो भैया हिट दो भैया, तो दोस्तों देखिए भैया लेने आए हैं जामिर, नींबू का छोटा रूप हाँ, और ये मैंने आपको बताया भी था होता है, काफी टेस्टी होता है ये, बताने वाले कुछ नहीं है, बताओ मैंने बताया नहीं, मैंने बताया था जामिर बहुत वो होता है, उससे पिठा भी बनता है और वो चटनी बनाते हैं आजकल, इतनी बढ़िया चटनी बनती है ना उसकी, ये देखिए मम्मी पन्नी में ले आई हैं, ये देखिए लेकिन फिर मैं दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए आप मेरा ब्लॉग भी अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, मेरे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, भर भर के कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, फिर आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया बैठकें मिलेंगी जिसमें इम्पोर्टेंट बात होंगी, आज कितनी इम्पोर्टेंट बात करी हमने, कहीं मिलती है आपको बैठक में इतनी इम्पोर्टेंट बात, तो अब आज से होगी जब भी भैया आएंगे डोला सिंह की बैठक, और जब बैठक, मैं जाऊंगी तो होगी भैया केत की बैठक बैठक और बाकी वगैरह मिलते ही रहते हैं, हाँ तो ये बैठक कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि डोला सिंह की बैठक होगी, जहाँ हम बैठेंगे वहाँ बाजार में भी हो सकती है, मंदिर में भी हो सकती है, ये बैठक अब कहीं भी होगी, और आपको बहुत जरूरी बातें बताएंगे, आज तो हमने मजाक करा, अब अगली बार से हम इस बैठक में खुला प्रस्ताव रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे कि पहाड़ों में क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, और
कैसे इसका समाधान होगा? समाधान होगा। और प्लेन्स में भी लोग जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं, क्या करें, हाँ, रोजगारी नहीं है, रोजगारी नहीं है। अब इंसान खेती भी करे, और खेती भी करे तो करे कैसे? मैंने आपको बता दिया ना अभी कि दिन में आ जाते हैं मेहमान, दिन में आ जाते हैं गुण गुण, और ब्याह हो जड़िया, रात को 2 बजे आ जाता है, उठो उठ, जागते रहो, जागते रहो, सिग्नल दीजू, मैं आ रहा हूँ, डरता भी नहीं हो, मैं आ रहा हूँ कहता है, कहता है नहीं कहता बताओ, मैं आ रहा हूँ कहता है। अब बताओ क्या करना चाहिए, इंसान अब थोड़ा आराम करेगा ही है ना, तो ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं जिनका की ध्यान रखिए, हाँ, जिनका की बात भी करेंगे और समाधान भी निकाला जाएगा, कुछ ना कुछ तो समाधान निकालना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा, क्यों? ओके ओके, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर, द एंड आज की बैठक होती है खत्म, यही समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए फ्लेवर के साथ और अगले बैठक के साथ और बहुत जरूरी बातों के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और भर भर के कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो लगती कैसी है और क्या क्या चीजें सही हैं, और जो भी गलती हो उसके लिए माफी चाहते हैं, नाराज ना होए, नाराज नहीं होते बिल्कुल भी, हंसी मजाक चलते रहती है, हंसी मजाक, नीस लोग हैं, मजाक चल रही है, मजाक चल रही है, ओके ओके, बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।